बाइट ऑफ जॉय में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। फॉर इंग्लिश प्लीज फॉलो रिटन इंस्ट्रक्शंस। आज हम बनाएंगे सूजी से बने हुए बहुत ही मज़ेदार वेजिटेरियन पिन व्हील्स। और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पिन व्हील्स बनाने के लिए सबसे पहले हम सूजी का डो तैयार कर लेंगे। अगर आप बाज़ार में जाएंगे तो आपको दो किस्म की सूजी देखने को मिलेंगी। यूजली आपको दिखेगी या तो कोर्स सेमोलिना या फाइन। तो इस पर्पस के लिए और इस रेसिपी के लिए हमने फाइन सेमोलिना का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे हमने लिया है एक पैन में 2 कप सूजी के, साथ ही में हम उसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच नमक। इन तमाम चीज़ों को आप एक फोर्क की मदद से अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे दही। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है 1 कप दही का। और पूरा आटा जो है हमने ये दही से ही गूंदना है, इसमें किसी किस्म का भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो दही से ही आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा सा नरम और मुलायम सा आटा ये गूंद के आपका तैयार हो जाएगा। अगर आपको दही की मकदार थोड़ी ज़्यादा लग रही है और ये है कि आटा आपका ये अच्छे से गूंदने में नहीं आ रहा, तो थोड़ी सूजी आप बेशक उसमें थोड़ी और डाल दें, लेकिन यह है कि जितनी जो सूजी का आपको मकदार बताई है और दही की, उसमें आपका देखें ये अच्छा सा नरम सा और मुलायम सा आटा बनके तैयार हो जाएगा। तो इसे अब हम ढक के रख देंगे तकरीबन 1/2 घंटे के लिए। अब हम टमाटर की चटनी तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए हमने लिए हैं तकरीबन 5 से 6 कड़ी पत्ते और इसे हमने बारीक कट कर लेना है। तो इन कड़ी पत्तों को हम सबसे एंड में डालेंगे और इसे हमने पूरा नहीं रखना, तो इसे हमने बारीक बस कट कर लिया था। और यहाँ पे हमने लिया है तकरीबन 1 पाउंड के करीब टमाटर। तो ये तकरीबन 2 से 3 बड़ी साइज़ के टमाटर हमने ले लिए थे और इसे हमने छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। तो ये टमाटर की चटनी बन रही है, लिहाजा टमाटर की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी आपकी चटनी भी उतनी ही मज़े की बन के तैयार होगी। लिहाजा राइप टमाटर यूज़ करें, उसका कलर अगर अच्छा लाल कलर के आपको टमाटर मिलते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। होम ग्रोन हो तो क्या ही बात है, लेकिन यह है कि बाज़ार के भी अच्छे टमाटर मिल जाते हैं। और अगर आपको काटने का टाइम ना हो तो आप इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन काटने में मज़ा अलग आता है। फिर एक देगची ले ली और इसमें हमने डाला है 1 टेबलस्पून के करीब तेल और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। तो बस इसे हमने थोड़ी देर ही पकाना है और बस बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना, हल्का सा बस हमने इसे सॉटे किया था। और अब हम इसमें डालेंगे हमारे कटे हुए टमाटर, साथ ही में हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इसे भी आपने अच्छे से बस मिक्स कर लेना है और बस थोड़ी देर के लिए हम इसे पकने के लिए रखेंगे। और बाद में हमने इसका ढकना ढक देना है और इसे तकरीबन मीडियम आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए हम पकने के लिए रख देंगे। और ये देखें 10-12 मिनट के बाद आप देखेंगे टमाटर आपके अच्छे से गल चुके होंगे। तो इसे आपने एक बार फिर से चमचे से हिलाना है ताकि ये टमाटर जो है अच्छे से आपके मिक्स हो जाएं और ये चटनी जो है आपकी एक जान सी हो गई है। अब हमने इसमें डाली है 2 छोटी चम्मच सिरके की। तो बस ये भी ये वाइट विनेगर था जिसको हमने इसमें डाला है। और अब हम तैयार करेंगे तड़का। तो यहाँ पे एक अलग से फ्राइंग पैन लिया है, इसमें 2 बड़े चम्मच हमने तेल के डाल दिए थे और तेल को बस आपने हल्का सा गर्म करना है। इसमें जो बारीक कटे हुए हमने कड़ी पत्ते रखे हुए थे वो हमने डाल दिए और 1 बड़ी चम्मच राय। तो ये दोनों चीज़ें डाल दी और जब ये राय फूटने लगेगी तो बस ये तमाम तड़का जो हमारा तैयार किया है वो हम अब अपनी चटनी को डाल देंगे। तो चटनी बन के बिल्कुल तैयार है। इसे हम पिन व्हील्स की फिलिंग में भी यूज़ करेंगे और इसे बाद में एज अ डिपिंग सॉस भी इस्तेमाल करेंगे। तो अब आते हैं पिन व्हील्स की फिलिंग की तरफ। तो हमने यहाँ पे दीगर वेजिटेबल्स ली हैं जिसे हमने बारीक कट कर लिया था। तो सबसे पहले हमने लिया है 1/4 कप कुचे हुए गाजर, 1/4 कप बारीक कटे हुए ग्रीन अनियंस, 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/4 कप उबले हुए मटर और 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। हमने एक ही हरी मिर्चें ली हैं, आप चाहें तो 2 भी ले सकते हैं। और ये बस वेजिटेबल्स का आपको ध्यान रखना है कि इसको हमने इस तमाम चीज़ों को बारीक कट किया था क्योंकि हम इसे ऐसे फिलिंग यूज़ करेंगे और उसका हमने रोल तैयार करना है, लिहाजा इसे बहुत बड़ा बड़ा नहीं रखना।
और अगर आप चाहें तो इसमें आप स्वीट कॉर्न्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी ये है कि फ़्लेवर बहुत मज़े का लगता है। तो बस इसी चीज़ों को आपने मिक्स करना है और फिलिंग जो है आपकी ये अब तैयार है। तो अब हम रोल्स की तैयारी की तरफ आते हैं। तो आटा जो हमने गूंद के रखा हुआ था उससे तकरीबन अब आधा घंटा हो चुका है, तो ये अब बिल्कुल रेडी है। इसे आपने हल्का सा बस गूंद लेना है। तो ये देखें बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा सा आटा बन के तैयार हुआ है आपका। इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था और ऑयल लगा के आप बस अच्छी तरह से इसे रब कर लें और इसे हमने दो पेड़ों में डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ पे दो बेसिकली हमारे रोल बनेंगे। काउंटर पे या कटिंग बोर्ड पे जिस पे भी आपने इसे बेलना है उस पे अच्छी तरह से आप पहले तेल मल लें और जो हमने हमारा रोलिंग पिन है और बेलन है उसको भी हमने तेल से रब कर लिया था और इसे हम अब बेलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसे हमने एक रेक्टेंगुलर शेप में बेलना है, तो इसे राउंड नहीं रखना, इसे रेक्टेंगुलर शेप में ही रखेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इसे बहुत ज़्यादा आपको पतला नहीं बेलना, क्योंकि अगर इसने आपको बहुत पतला बेला तो जब आप फिलिंग और चटनी वगैरह इसमें डालेंगे तो वो टूटने लगेगा। और बस हाथों की मदद से आप इसे दबाते चले जाएं और इसकी बस इवन थिकनेस आपने रखनी है और उसको शेप भी आप अच्छे से दे सकेंगे। तो हाथों से आप इसे दबाते जाएं और जैसे कि हमने तेल लगाया हुआ है नीचे तो ये है कि वो चिपकेगा नहीं। और बस इसमें हमने एक थिन लेयर पहले चटनी की डालनी है और चटनी भी आप डालें तो बीचों बीच में ही डालना है, इसे बहुत एजेस तक नहीं लेके जाना, वरना ये होगा कि सारी चटनी जो है ना वो आपकी निकलने लगेगी जब आप इसे रोल करेंगे। तो बस ये बीचों बीच हमने लगाया है और स्पेशली नीचे की तरफ हमने बहुत ज़्यादा चटनी नहीं लगाई है। फिर जो आधी फिलिंग हमने तैयार करके रखी थी वो इस पर हम स्प्रिंकल कर देंगे और इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि फिलिंग भी हम बीचों बीच ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा इसे एजेस तक नहीं ले जाना। अब आप रोल को हम इसे फोल्ड करना शुरू करेंगे। तो ऊपर से हमने फोल्ड किया है और अपनी तरफ लेते जाएं और इसे जितना टाइट फोल्ड कर सकते हैं करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चटनी भी देखें एजेस तक आ ही गई है, तो जैसे जैसे आप फोल्ड करेंगे वो तमाम एजेस पर भी कवर हो जाएगी। और ये देखें एक आपका रोल जो है ये बन के तैयार हो गया है। बहुत ही आसानी से बेला जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती, क्योंकि आपको लगेगा कि आप सिर्फ सूजी से इसका रोल तैयार कर रहे हैं तो शायद बेलने में प्रॉब्लम हो, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। आप बस काउंटर पे या आप कटिंग बोर्ड पे अच्छे से तेल रब करें और पहले आप रोलिंग पिन से इसे बेलें और उसके बाद हाथों से दबा दबा के इसके प्रॉपर इसको शेप दे दें। काउंटर पे तेल लगाना मस्ट है, वरना यह है कि आपका नीचे चिपकने लगेगा। और दूसरा ये चीज़ है कि फिलिंग भी जो है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, चाहें तो दूसरी कोई सब्ज़ियाँ यूज़ करें, चाहें तो आप इसमें श्रेडेड चिकन वगैरह भी डाल सकते हैं। तो आपकी जो मर्ज़ी हो आप फिलिंग का इस्तेमाल करें। और यहाँ पे देखें हमने ये अब ये दूसरा रोल जो है वो रेडी करना शुरू कर दिया है। तो सेम ही तरीका रहेगा इसका भी, आप चाहें तो दो रोल्स में डिफरेंट फिलिंग्स भी डाल सकते हैं। टमाटर की चटनी जो हमने बना के तैयार की थी वो ये है कि दो रोल्स की फिलिंग के लिए भी इनफ है और उसके बाद इतनी चटनी आपकी बचेगी कि बाद में आप जब के रोल आपके बन के तैयार हो जाएंगे तो उनको डिप करके खाने में भी मज़ा आएगा। तो ये है कि चटनी के साथ ही ये रोल्स के मज़े हैं, वरना ये है कि सूजी में आप देख सकते हैं आटे में हमने बहुत ज़्यादा कुछ मसाले वगैरह नहीं डाले, तो चटनी के साथ जो है उसका जायका बहुत मज़े का लगता है, थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा चटपटा सा लगता है। और ये देखें अब ये दोनों रोल्स हमारे बन के रेडी हो गए हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हम ये सूजे के पिन व्हील्स को स्टीम करेंगे। तो इसके लिए हमने ली है 12 इंच की यहाँ पर स्टीमिंग ट्रे। तो हमारे पास ये ट्रे का सेट मौजूद है जिसमें 5 मुख्तलिफ किस्म के साइज़ मौजूद हैं। तो हमने ये 12 इंच की ट्रे का इस्तेमाल किया है और यह है कि अगर आप इन स्टीमिंग ट्रेज़ में इंटरेस्टेड हो तो इसे परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो आप वहाँ से उसे चेकआउट कर लें। तो इस पर पहले हमने थोड़ा सा ऑयल रब कर लिया था और इसे हल्का सा आपने ग्रीस कर लेना है, चाहे तो तेल यूज़ करें या घी यूज़ करें। और फिर ये जो दोनों रोल्स हमने तैयार किए थे वो हम इस पर केयरफुली डाल देंगे। तो अब ये देखें आपकी ट्रे जो है वो अब रेडी हो गई है। तो जो भी आपने पैन में इसे स्टीम करना है ऑब्वियसली आप मेक श्योर करें कि वो पहले आपकी स्टीमिंग ट्रे जो है वो इसमें फ़िट आ जाए। और इसमें हमने पहले पानी डाला है और उसे अच्छे से उबाल लिया और अब ये केयरफुली पानी गर्म होगा, लिहाजा ये ट्रे आपने आराम से केयरफुली इसमें डालनी है और इसे हमने ढकना बंद कर देना है और इसे हम स्टीम करेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। और ये देखें ये अच्छे से स्टीम हो गए हैं, पूरी तरह से पक चुकी है ये और मज़ेदार आपके रोल्स जो हैं अब बन के तैयार हो गए हैं। अब आते हैं हम प्रेजेंटेशन की तरफ। अब जब रोल्स जो आपके पक्के तैयार हो गए हैं और ये थोड़े से हल्के से ठंडे हो चुके होंगे तो इसे आप अपने कटिंग बोर्ड पे डाल दें
इन तमाम रोल्स को कट करने के लिए आप एक तेज़ धार छुरी का इस्तेमाल करें। अगर आप सेरेटेड नाइफ लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, तो आप एक सोइंग मोशन में आप इसे अच्छे से कट कर सकेंगे। और यहाँ पे हमने इसे 1.5 इंच के करीब थिकनेस पे कट किया है। बहुत ज़्यादा अगर आप इसे पतला कट करेंगे तो ये सारे आपके बिखरने लगेंगे, लिहाजा बस आपने थोड़ा थिक ही इसे कट करना है। और ये देखें कितने खूबसूरत और मज़े के ये रोल्स आपके तैयार हुए हैं। ये चटनी भी आपकी मौजूद है। ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। हल्के से वार्म हो तो बस इसे आप सर्व करें। अब आप भी इसे बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं। और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।